अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 10 से 15 मिनट में मेरे स्टाइल में बनाइए बेहतरीन चिकन फ्राई की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनती है ये। बहुत ही आसान चिकन फ्राई की रेसिपी है ये। कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने में। घर पर अवेलेबल सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। दाल चावल के साथ खाइए इसे, ऐसे भी एक स्नैक की तरह भी आप खा सकते हैं। तो चलिए ज़बरदस्त चिकन फ्राई की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाही ले लें और इसमें डालिए तेल। 4 से 5 टेबलस्पून इसे अच्छे से गरम कर लें। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें डालिए 2 बड़े साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज। हाई फ्लेम पे प्याज अच्छे से फ्राई कर लें रंग बदलने तक इसका। प्याज का रंग बदल गया है, देखिए ये तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन कलर आ गया है। नेक्स्ट इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 2 टीस्पून भर के। इसे अच्छे से भूनिए प्याज के साथ। थोड़ी सी हल्दी डाल दें 3/4 टीस्पून। हल्दी डाल के इसे हमें अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद इसमें 1/2 किलो चिकन डाल दें। चिकन डाल के चिकन को फिर से हमें बहुत अच्छे से भूनना है। इसमें नमक डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से और इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून कश्मीरी 1 टीस्पून नॉर्मल डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए। इसे इसे मिक्स करते जाइए और भूनते जाइए। इसी दौरान चिकन हमारा गल जाता है। इसे हमें अब बहुत अच्छे से भूनना है। इसमें पानी नहीं डाला जाता। अगर आपको लग रहा है कि नीचे से बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है तो थोड़ा सा डालिए, जस्ट स्प्रिंकल करिए लेकिन ज़्यादा नहीं। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डालिए जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स करिए और ऐसे ही फ्राई करते जाइए। फ्लेम को थोड़ी देर लो पे रखिए और थोड़ी देर मीडियम पे। इस तरह से पकड़ लेता है नीचे, इसे थोड़ी निकाल के जाइए। बहुत टेस्टी होता है ये। कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ता डाल दें, अच्छी खुशबू आएगी इसकी। नीचे से पकड़ रहा है, थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ, इसे नहीं पकड़ेगा। करिए अभी से, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये कितनी इजी रेसिपी है ये। तो इसके जूसी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन फ्राई हमारा रेडी है। आखिर में थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते भी डाल दें इसमें। इसे मिक्स करिए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। फ्लेम बंद कर दें। गर्मा गर्म इसे खाइए, बहुत मज़ा आएगा। कमेंट में बताएं चिकन फ्राई की आसान रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें वीडियो पसंद आए तो, और इस वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल कुक विद फैम भी सब्सक्राइब कर लें।